सुशीला कहने लगी, स्वामी जब दोष तुम्हारा है तो इस गरीबी को क्यों भोग रहे हो? स्वामी उन्हीं के पास चले जाओ। सुदामा कहने लगे, क्या पागल हो गई है? सुदामा समझाने लगे हैं, सुशीला अरे क्यों है गई बावरी नारी, हो नारी और को पूछे बात गरी भेजने के लिए हमसे कह रही हो तो मैं नहीं मालूम सुशीला। रोकर के सुदामा बोले, अरे बिना लिए कछु श्याम न देगो। सुशीला अरे बिना लिए कुछ श्याम न देवे। और कैसे भामनी दुख कटेगो, कैसे सुदामा समझाने लगे, सुशीला जिद मत करो, मेरी बात मानो ना। अरे बिना लिए कछु श्याम न देगो, कैसे भामनी दुख कटेगो। और ना भेंट को चावल चार हो चार को पूछे बात गरीबी में क्यों। Yeah.
जवाब दिया सुशीला, पागल मत बन। सुशीला कहने लगी, प्रभु जब तुम्हारे बचपन के मित्र हैं तो तुम ये गरीबी क्यों भोग रहे हो, उन्हीं के पास चले जाओ। सुदामा कहने लगे, सुशीला अगर भगवान कन्हैया तीनों लोगों के नाथ हैं तो हम भी तीन गांव के भिकमंगा हैं, किसी से कम नहीं है सुशीला। सुदामा कहने लगे, सुशीला तुम जाने की बात कह रही हो, गुरु पिता मित्र के यहां पर जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ भेंट के लिए अवश्य होना चाहिए। तो सुशीला भागती हुई एक पड़ोसिनी के पास पहुंची है, जवाब दिया, बहन मेरे पिया द्वारका के लिए जा रहे हैं, बहन कुछ दे देना। पड़ोसिनी कहने लगी, परसों तू लेके गई, अबे तक तो दे के नहीं आई और आज फिर आ गई, चली जा यहां से। अरे भैया, सुशीला में ढक्का मार दिया पड़ोसिन ने। सुशीला भागती हुई दूसरी पड़ोसिन के पास में पहुंच जाती है और कहने लगी, बहन अरे कर के बाहरी आस, बहन तेरे दरवाजे आई, अरे कर के भारी आस, बहन तेरे दरवाजे आई, मेरे पिया द्वारिका जाए, सुनो मेरी बहना चितलाई, अरे भेंट को कानी नाए कोड़ी, दे दे अन्न उधार, बहन मित ताई से दौड़ी रे बहन, जवाब दिया, बहन मेरे पति द्वारका के लिए जा रहे हैं, कुछ भेंट में देने के लिए नहीं है, बहन तुम्हारे पास कुछ हो तो मुझे दे दो। बोली है सुशीला, बहन कछु तेरोई ले जाऊंगी, बहन कछु तेरोई ले जाऊंगी, अरे बहन कछु तेरो ले जाऊंगी, जब लौट के आवे पिया बाद ना तुनो ले जाऊंगी, अरे धन्य है टोटे की बारी, इतले के चावल चली आई गई पत मिलता नारी, अरे धन्य है टोटे की बारी, चावल चली आई गई पदवीरता नारी, धन्य है टोटे की बारी, अरे लेके चावल चली आई गई पदवीरता नारी, मेरे भैया आज वो पतिव्रता स्त्री पड़ोसिन पे से चावल लेकर के और जैसे ही अपने पति के सामने पहुंची है और कहने लगी, पिया ये तीन मुट्ठी चावल मिले हैं और आप इनको लेकर के चले जाओ। सुशीला बोली, के चले जइयो द्वारिका को सैया, चले जइयो, चले जइयो द्वारिका को रा,
अरे तीन मुठी चावल ले आई। अरे तीन मुठी चावल ले आई। तुम पेट सखा की कर आई बालापन के मित्र तुम्हारे। अरे बालापन के मित्र तुम्हारे। तुम उनके दर्शन कर आइयो, चले जइयो, चले जइयो द्वारिका को सैया, चले जइयो। आज सुशीला के कहने के अनुसार सुदामा ने देर नहीं की और चले भगवान कन्हैया से मिलने के लिए। शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं, पैरों में जूते नहीं हैं। लठिया को टेकते हुए सुदामा धीरे धीरे चले। ब्रजेश भैया, के सुदामा जाए रहे डगरिया में, अरे डगरिया में, और सोचत जात जिगरिया में, भैया सोचत सुदामा जाए रहे डगरिया में, डगरिया में, भैया सोचत जात जिगरिया में, हाय हाय सोचत। सोचते हुए जा रहे सुदामा बालापन का या रहे पहचाने का या नहीं। अरे बालापन को मित्र हमारो, बेटा के भी। अरे बालापन को मित्र हमारो, और कैसे मेरो लगे किनारो, और सोचत जात जिगरिया में, जिगरिया में, भैया सुदामा जाए रहे डगरिया। सुदामा जाए रहे डगरिया में, डगरिया में, भैया सोचत जात जिगरिया में, भैया सोचत। भक्त जनों, सुदामा चले हैं, चलते जा रहे हैं। एक जंगल देखा, पेड़ की छाया देखी, सुदामा बैठ गए पेड़ की छाया में। ऐसा ही नहीं भक्तजनों,
अरे पैर बिमाई फटी विप्र के नंगे पायन धाए। और चलते चलते विप्र सुदामा एक महान बन में आए। आज सुदामा चले हैं लटिया को टेकते हुए, भगवान कन्हैया का नया नाम सुमरने के बाद और चले। पेड़ तले गए बैठे सुदामा, गिरधर के गुड़ गाए। और को द्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आए। मेरे भैया, आज सुदामा धीरे 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 चले पहुंच गए। तो क्या देखा है, द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा ने कहा, भैया द्वारपाल, कन्हैया से जाकर के ये कहो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल कहने लगे, आप कौन हो और कहां से आए हो, आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद मैं अंदर जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे। तो सुदामा कहने लगे, भैया सुदामा बोले, अरे कांचनपुर है हमारो धामा, और कृष्ण मित्र मेरो नाम सुदामा। और कांचनपुर है हमारो धामा, हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, और जाए के कह दे सकल प्रसंगा। जवाब दिया, मेरा नाम सुदामा है, कंचनपुर से आए हैं। भक्त जनों, द्वारपाल भागा और जाकर के कन्हैया से ये कहा कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अरे भैया, जैसे ही द्वारपाल के इतने शब्द सुने, कन्हैया भागे अपने सिंहासन को छोड़ के। कन्हैया भागे द्वार गए,
इतने शब्द सुने भगवान कन्हैया नंगे पैर भागे अपने सिंहासन को छोड़ के द्वार पर पहुंच जाते हैं। सुदामा को अपने गले से लगा लिया, भैया तुम्हारे ऊपर इतनी गरीबी आ गई, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? भैया क्यों नहीं आए? ऐसे बिबायल पिवाइन सो पग कंटल जाल लगे पुन जो हाय महा दुख पाओ सका तुम आए इतने कितने दिन कोई भगवान कन्हैया सुदामा को देखकर इतने रोए इतने रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के ही जल से पग धोए। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है। अब तो धन्य धन्य है प्रेम प्रेम तेरी मेहमान यारी है। भैया आज भगवान कन्हैया ने अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोया, उसके बाद अंदर लेके चले। भगवान कन्हैया ने सुदामा को नए नए वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद जब भगवान कन्हैया की 16108 रानियां आई, सभी ने भोजन कराया सुदामा को और भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया सुदामा, हाँ भैया, हमारी भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा था। सुदामा कहने लगे, भाभी ने तुम्हारी ने क्या भेजा है, खुद भूखी रहती है, बच्चों को भी भूखा रहने देती है, तुम्हारी भाभी के पास कुछ नहीं था भैया। भगवान कन्हैया समझ गए, बारे सुदामा तू अभी कपट कर रहा है। उसी समय झटका देकर के वो चावल की पोटली जो थी वो कन्हैया ने छीन ली और भगवान कन्हैया चावलों को चबने लगे। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। Thank you.
कन्हैया ने पहली मुट्ठी खाई है, एक लोक दे दिया दूजी मुट्ठी भर ली नी कन्हैया भर ली नी। दूजी मुट्ठी भर ली नी कन्हैया भर ली नी। अरे दे भगवान कन्हैया ने दूसरी मुट्ठी चबी है, दो लोक दे दिए। अरे तीसरी मुट्ठी भर ली नी कन्हैया भर ली नी। सोई रोकी मिल गए हो हाथ मिलने सुदामा। आज भगवान कन्हैया ने दो मुट्ठी चावल चबे हैं, भगवान कन्हैया ने दो लोक दे दिए, और तीसरी मुट्ठी खाने के लिए जैसे ही तैयार हुए हैं, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया हे नाथ, आपने इस ब्राह्मण को दो लोक तो दे दिए, अगर आपने तीसरा लोक दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे, क्या दशा होगी हमारी। और बोली है वो, अरे बात मेरी मान लो प्रभु, हाथ रोक लीजिए, दो लोग दे चुके पर तीसरा ना दीजिए, और तीसरा भी दे दिया जो इस पल होगी बड़ी मुश्किल, तीसरा भी दे दिया जो इस पल होगी बड़ी मुश्किल। अरे आप का रहोगे और हम का रहेंगे, आप का रहोगे और हम का रहेंगे। बोलिए प्रभु कैसे कष्टों को सहेंगे, और तीनों लोकों में तो मच जाए हलचल होगी बड़ी मुश्किल, तीनों लोकों में तो मच जाए हलचल होगी। मेरे भैया, आज रुक्मिणी ने ये कहा है प्रभु, आपने दो लोग इस ब्राह्मण को दे दिए और तीसरा भी दे दिया तो हम कहाँ रहेंगे। बाई समय पर भैया, भगवान कन्हैया बोले, रुक्मिणी याद करो वो दिन, इन ब्राह्मण के कारण से ही तुम हमारे साथ में हो, अगर ब्राह्मण पत्र लेकर के नहीं जाते तो तुम मेरे साथ में नहीं होती, ब्राह्मण की बुराई ना करो। उसी समय हंसी खुशी से भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को विदा किया, जवाब दिया भैया अब आप अपने घर चले जाओ। सुदामा कहने लगे हाँ भैया जाना जरूरी है। आज सुदामा चले हैं तो क्या देखा है, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया से इशारा किया,
तो सुदामा पुरी का निर्माण किया, बहुत सुंदर नगर बसा दिया भगवान कन्हैया ने। और सुदामा जैसे ही अपने गांव में पहुंचे तो क्या देखा है, सुशीला जो है छत के ऊपर खड़ी है और भाग करके सुदामा को ऊपर चढ़ा लिया और सुदामा से बोली, प्रभु आप आ गए, अभी देवर जी आए थे और उन्होंने बहुत सुंदर नगर का निर्माण किया है। प्रभु हंसी खुशी से सुदामा जी रहने लगे और कांचनपुर नगरिया के राजा बने। भक्तजनों, ये कैसेट सुपर गंगा डीजे साउंड सांकरा की तरफ से, मैं केशव यादव दादों का रहने वाला हूं। हमारे पास में बैठे हैं हमारे परम पूजनीय गुरुदेव सत्येंद्र कुमार शास्त्री जो औंदाखेड़ा के रहने वाले हैं, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं ब्रजेश कुमार जो जैसे नंगला के रहने वाले हैं, और हमारे पास में बैठे हैं हमारे शिष्य दिनेश यादव जो हमारे गांव के रहने वाले हैं। अरे जय बोलो विपन बिहारी की, जय बोलो भक्तो। ये सुदामा चरित की कैसेट मैंने आप लोगों को सुनाई, कामना करूंगा सभी भक्तजनों से अगर गाते समय अगर कोई गलती बनी हो तो क्षमा करने की कृपा करें। जय बोलो विपन बिहारी। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।